गाइज अपने जमाने में बॉलीवुड के बहुत ही बड़े सुपरस्टार रह चुके हैं मुकेश खन्ना, किसी न किसी विवाद के चलते या किसी न किसी बयान के चलते चर्चे में बने रहते हैं। लेकिन फिर से जब उन्होंने आदि पुरुष जो प्रभास की फिल्म आई है उसका टीजर देखा तो बहुत ही बड़ा बयान दिया है। जी हाँ गाइज, फिर से हंगामा तेज हो चुका है। चलिए उसके बारे में बात करते हैं, उन्होंने क्या कहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को पसंद आएगा तो लाइक करके जाइएगा। तो वीडियो लास्ट देखिए, उन्हें पता चलेगा आपको उन्होंने क्या कहा है। तो गज जैसा कि हम जानते हैं कि जो मुकेश खन्ना है हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं और अक्सर अपने जो धर्म है हिंदू को लेकर बहुत ही बड़ा बयान देते रहते हैं, जिसके बाद उन्हें बहुत ही ज़्यादा निशाना साधा जाता है। तो गज फिर से जब उन्होंने आदि पुरुष का टीजर देखा, जब जो रामायण पर प्रेरित है, तो बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ये तो रामायण से थोड़ा भी मैच नहीं कर रहा है, ये उस रामायण के कोई 1% भी अच्छी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जो इसका VFX है उसके ऊपर 250 करोड़ का खर्चा आया है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें VFX नहीं है, इसमें खाली पैसा बर्बाद किया गया है, इसे VFX कहते हैं। इससे अच्छा पहले वाले रामायण में इससे अच्छा VFX हम लोग को देखने को मिला था, जो रावण और राम के बीच में युद्ध होता है उसमें VFX अच्छा यूज किया गया था। ये सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बना के पैसा कमाना चाहते हैं और कुछ नहीं। इतनी बड़ी जो कहानी है इस रामायण उसके ऊपर इतनी बुरी फिल्म बनेगी, हम किसी ने सोचा नहीं था। भले ही एक्टर प्रभास जो है बहुत ही बड़े एक्टर होंगे साउथ के और पूरे पैन इंडिया के, लेकिन ऐसी फिल्म कोई नहीं देखेगा। जो रामायण पहले देख चुका है और बहुत ही पसंद आई थी सबको, लेकिन ये आदि परिस उसके 1% भी मैच में नहीं है। और उन्होंने आगे कहा कि जो रावण है उनका दाढ़ी और हेयर स्टाइल देख लीजिए कैसा है, क्या पहले वाले जो रावण है उनका दाढ़ी था क्या, उनका ऐसा स्टाइल था, ओनली मुकुट में रहते थे एनी टाइम। तो गाइज बहुत ही और बड़ी बात कही है मुकेश खन्ना ने। तो गाइज अब बताइए क्या कहना चाहेंगे उनके इस बड़े बयान पर। क्या आपने आदिपुरुष का टीजर देखा है, और टीजर देखा है तो आपको रावण का वो लुक कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक करके जाइएगा। तो ऐसे ही कुछ जानकारी और मैं देता रहूँ आपको, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, ओके टेक केयर।